How are you? I hope you all are good. So students, today we are starting a very nice topic, that is about the Panchatantra story. It will be very interesting for you because it is a very interesting story in this. So students, we start it. Firstly, we are going to start the chapter number 3, that's name is The Trick That Did Not Work. This is the story about some animals that is put out in a forest where there lived a lion, two jackals and a bull also. There are four animals about whom we will discuss in this chapter. So we are going to start this chapter. I will tell you all the story in Hindi. Okay students, firstly you will read the whole chapter yourself, then you will listen the video that I will send you in Hindi. Okay, so students, now we start. Ek bar ki baat hai, the trick that did not work. What is the meaning of this? Ki ek chaal जो वर्क नहीं कर पाई, मतलब दो जो जेकाल्स थे वो बहुत ज्यादा कनिंग थे, बहुत ज्यादा क्लावर थे, उन्होंने कोई चाल चली जो वर्क नहीं कर पाई, जो काम कर नहीं कर पाई. इसके बारे में हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे. एक बार की बात है, घना जंगल था, अंधेरा और अंधेरा भरा और घना जंगल था जहां एक लॉयन रहा करता था. वह बहुत बड़ा था, हैंडसम लॉयन था, अच्छा लगता था दिखने में. उसके गोल्डन भूरे कलर के, गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के क्या थे, मेनमिस होते हैं, जो शोल्डर पर बाल वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं, गले पर. और उसकी आंखें बड़ी भयानक थी. उसका नेम, जो लायन था उसका नेम जंग था. वह जंगल का राजा था और सभी राजाओं की तरह वो भी एक राजा था. वो भी सभी राजाओं की तरह, उसके पास भी दो सलाहकार थे जिनकी वो हर बात में सुना करता था. जब भी वो अच्छे मूड में होता था हर बात में उनकी सलाह लिया करता था, जिनका नाम था चालू एंड गोलू. जैकाल्स जो थे, स्पेशली चालू नाम का जो जैकाल था वो बहुत ज्यादा कनिंग था, चतुर था. वे हमेशा राजा को खुश रखते थे, उसकी तारीफ करके, उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, उसके बारे में उसकी तारीफ करके उसको हमेशा खुश रखते थे. और वो जो भी राजा कहता था, जंग जो कहता था, किंग लायन जो था, उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते थे, जिससे कि वो उनको अच्छा समझे. वे उसके लिए उसकी प्रेस किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे, और वो भी वो सब चीजें कहा करते थे जो कि उसको पसंद थी, जिससे कि उसे ऐसा फील हो कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, पूरे जंगल में वो ही ब्रेव और स्ट्रांग है पूरी अर्थ पर. ऐसी बातें वो उसके लिए किया करते थे जिससे कि वो खुश रहे. एक नेचुरली द किंग्स थॉट दैट दे वर वेरी फेथफुल. इससे क्या होता है, राजा सोचता है कि वो जो है दोनों जैकाल जो उसके काउंसलर थे वो बहुत ज्यादा उसके लिए फेथफुल और लॉयल है, बहुत ही विश्वसनीय है. वो उनसे जब भी कुछ भी बात पर सलाह लेना होती थी वो उनसे पूछा करता था और वो अपने आप को लक्की समझता था कि वो उनका फ्रेंड, मतलब वो उसके सलाहकार थे. राजा भी अपने आप को इस बात के लिए बहुत ज्यादा लक्की समझता था और राजा भी उन दोनों की बहुत देखभाल किया करता था. उनको खाने के लिए एनिमल्स लाया करता था, उनके खाने की देखभाल करता था, मतलब उनको खाने के लिए सामान लाया करता था, एनिमल्स खाते थे वो, और हमेशा अपने साथ जहां पर भी जाता था उन दोनों को लेकर जाया करता था. जैकाल जो थे उनको कोई दूसरा काम नहीं था, जो जैकाल थे वो राजा के साथ इसलिए रहा करते थे, वो हर चीज में उनकी रक्षा भी करता था, जो दूसरे एनिमल्स थे उनसे उनकी रक्षा करता था, उन्हें दोनों जैकाल्स को उनसे लड़ना भी नहीं पड़ा करता था और भोजन की तलाश में इधर उधर जानवरों को का शिकार भी नहीं करना पड़ता. ये सब काम जो थे वो लायन जो था वो ही करता था, क्योंकि सारे जानवर जो थे उससे डरते थे. इससे क्या हुआ, जैकाल जो कुछ नहीं करते वो दिन पे दिन, डे बाय डे मोटे होते जा रहे थे. वो बहुत ज्यादा घमंडी भी होते जा रहे थे कि वो राजा के साथ में रहते हैं और दूसरे एनिमल को राजा के पास आने भी नहीं देते थे, और जिससे कि वो उनसे मित्रता ना कर सके. एक दिन क्या होता है, जंग जो है, राजा जो है वो नदी के पास जाता है पानी पीने
तभी उसे एक आवाज वहां पर सुनाई देती है। ऐसी आवाज सुनाई देती है, गरजने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत तेज से गरज रहा हो। इतनी तेज थी कि पूरा जंगल जो है इससे गुंजायमान हो गया उस आवाज से। जो राजा था, लायन जो था, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, डर गया इस बात को सुनकर। उसने कभी भी पहले ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और किसी भी एनिमल की वास्तव में ऐसी आवाज नहीं थी, और कोई भी ऐसी एनिमल नहीं था जो कि राजा को, लायन को डरा सके। जो लायन था जंग, वो उससे बहुत ज्यादा डर गया। वो भागकर अपनी गुफा में चला गया, डर के मारे पीला हुआ था। उसके सलाहकार ने जो जयकाज थे उसको देखा तो राजा को कांपते हुए, तो वो भी डर गए और वो जानना चाहते थे कि हुआ क्या है, कि जो राजा जो है इतना डरावा क्यों लग रहा है। उनको जयकाल को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे बड़ी शर्म फील हो रही थी कि वो एक राजा है जंगल का और तब भी वो डर रहा है। लेकिन नेक्स्ट जब वो राजा तो था रिवर के पास फिर से गया, तभी फिर से वैसी ही बात हुई। तब जंग ने जो है, राजा ने, किलायन ने अपने सलाहकार को चालू और गोलू को बताया और उनको सारी बातें बताई। बड़े आश्चर्यचकित तो गए चालू और गोलू भी इस बात को सुनकर कि ऐसा कौन सा जानवर आ गया जंगल में। अब वो जो था लायन जो है वो कहता है कि मैं तो इस जंगल को छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर एक और जानवर, मुझसे भी खतरनाक जानवर यहाँ पर आ चुका है। इससे चालू गोलू बहुत ज्यादा डर गए कि अब उनका क्या होगा, उनको खाने के लिए कौन लाएगा और दूसरे जानवरों से उनकी रक्षा कौन करेगा। वो इस बात से बहुत ज्यादा डर गए। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम आपको, राजा को कहते हैं जंग को, लायन को, कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। बहुत ज्यादा उसकी रिक्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि वो जो आपने आवाज सुनी है, भयानक आवाज सुनी है, वो आपको ऐसे ही सुनाई दी होगी। वो किसी जानवर के, आपसे ज्यादा तो शक्तिशाली जानवर जंगल में है ही नहीं कोई, आपको ऐसे ही गलत फील हुआ होगा। उसको समझाते हैं बहुत। अब क्या होता है, जो जयकाल और थे दोनों स्माइल करते हैं। सो दे न्यू दैट देयर कुड बी नो क्रिएचर इन द फॉरेस्ट स्ट्रॉन्गर देन द लायन। दे थॉट दैट द जंग वेरी फुल। अब वो समझ जाते हैं दोनों जो जयकाल से कि जरूर राजा के साथ कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ गलत समझ में आया है। राजा के जितना तो इस जंगल में कोई ज्यादा क्या कहते हैं ताकतवर है ही नहीं, और वो सोचते हैं कि राजा को जरूर किसी ने मूर्ख बनाया है, किसी ने ऐसी आवाज निकाली होगी जिससे कि ये किंग जो है वो डर जाए और यहां से भाग जाए। चालू सेट दैट ही वुड गो एंड फाइट आउट। चालू कहता है कि हम आपके उस जानवर को ढूंढ कर लाएंगे जिसने आपको डराया है। जंग कहता है अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो, चालू कहता है कोई बात नहीं, एक जो वफादार नौकर होता है वो हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता है और मरने की वो डर भयभीत नहीं होता है। वो उस एनिमल को ढूंढ कर लाएंगे जिसने आपको परेशान किया। इससे राजा बड़ा परेशान हुआ कि ये तो बड़ा वफादार है। चालू जिस रिप्लाइंग विद गोलू इन टो वेल ऑफ टू आई, वो तीनों जो है उस जो चालू गोलू थे वो रिवर के पास जाते हैं ढूंढने के लिए। द किंग वॉज वेरी प्लीज विद द, अब राजा जो था उनसे बड़ा प्रसन्न होता है। टू दे सरप्राइज द जैकल फाउंड दैट द क्रिएचर दैट हैड फ्रेटेंड। अब जैकाल जब रिवर के पास जाते हैं उन्हें वो एनिमल वहां पर मिल जाता है। वो एनिमल कौन था, बिग बुल, एक बड़ी सी बुल थी जिसने राजा को डराया था। चालू ने उस एनिमल को डांटा, बुल को डांटा कि तुमने इतना ज्यादा यहाँ पर नॉइस किया हुआ है जंगल में और तुमने हमारे राजा को डरा दिया। बुल जो था शांत हो गया जल्दी से, जब वो आवाज निकाल उनकी बात सुनकर वो शांत हो गया। उसने चालू को बताया कि वह अपना रास्ता भूल गया है और वो यहाँ पर रुकने के हिसाब से नहीं आया है, वो किसी को डराने नहीं आया है, वो अपना रास्ता यहाँ पर भूल गया है और वो अपने जहां पर वो रहता है वहां पर जाना चाहता है। और कहता है कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने राजा को डराया, मुझे नहीं पता था राजा डर जाएंगे इससे। अब वो कहता है कि मैं वायदा करता हूं मैं राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और उनसे इस बात के लिए सॉरी भी बोल दूंगा। जयकाल टोल्ड द बुल टू वेट राइट ही देयर। अब जयकाल जो है वो कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको और हम जाते हैं, हम राजा को सारी बात बताते हैं। अब वो सारी बात बुल के बारे में राजा को बताते हैं जाके कि बट द बुल वॉज नो ऑर्डिनरी बुल। लेकिन वो बुल जो था, बुल जो है साधारण तो नहीं है लेकिन वो बहुत ही सीधा सा है। ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ द गॉड्स एंड द गॉड्स themselves had granted permission to roam wherever he pleased. Oh, I should have known, cried Jung. It was clear from his loud and fearless. वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो कोई साधारण भूल नहीं है,
उसकी आवाज़ बहुत तेज है, इतनी तेज आवाज़ तो मैंने कभी देखी नहीं, उसकी आवाज़ में बड़ी पावर है। अब जो चालाक चालू था वो कहता है, मैंने बुल को कह दिया है कि तुम्हें राजा से सॉरी बोलनी पड़ेगी, और तुमने राजा को, इस जंगल का राजा तुम कहीं के भी राजा हो, मैंने ये कह दिया बुल से, लेकिन हमारे जंगल का राजा जो है लॉयन ही है, जंगी है, और तुम्हें उससे सॉरी कहनी पड़ेगी। अब क्या होता है, लॉयन जो है उसकी बात से बड़ा खुश हो जाता है, दैट हैव टू से सो दैट ही वॉन्टेड टू नो। अब वो बुल से सुनना चाहता था कि वो क्या कहना चाहता है। वो चालू कहता है कि मैंने उसे कह दिया कि तुम जो है किसी भी कंडीशन में हमारे साथ चलो और राजा से सॉरी बोलो जाकर। लॉयन जो है खुश हो जाता है बहुत इन बातों को सुनकर। अब दोनों जो कह जाते एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि उनकी बात बन गई है, जो वो चाहते थे वैसा ही हो रहा है, और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि राजा उनके कंट्रोल में आ चुका है दोबारा से। अब क्या था, उनकी चाल क्या थी कि लॉयन को बुल से डरा के रखें और बुल को राजा से डरा के रखें, लॉयन से, तो उनकी ये ट्रिक काम कर रही थी। सो इसलिए वो जाते हैं और बुल को जो है लेकर वहां पर राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम जो है बिल्कुल, हमारे राजा जो है बहुत गुस्से वाले हैं, तुम्हें उनकी बात पूरी माननी पड़ेगी और उनकी हर बात को सुनना पड़ेगा, बट ही नीड नॉट बी अफ्रेड, लेकिन तुम्हें ज्यादा उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी बात माने, इफ यू डू व्हाट वी से एंड लिसन टू अस, अगर तुम हमारी बात जैसा हमने कहा वैसे चलोगे तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे और हम तुम्हारी उनसे रक्षा करने की भी कोशिश करेंगे। द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द जैकल। अब बुल जो है उनकी बड़ा आभारी होता है उनकी, उसके लिए कि तुम मेरे लिए इतना करोगे, मुझे राजा से बचा दोगे, उसका बड़ी वो मानता है एहसान, और कहता है कि मैंने इतना नॉइस किया और तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम्हारे राजा को डिस्टर्ब किया। वो लॉयन से भी यही बात कहता है जाके बुल कि मैंने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। और राजा जो है अपने पॉज मतलब पंजों को उठाता है ऐसा शो करने के लिए, उसने उसे माफ कर दिया, माफ कर देता राजा उसे। अब राजा कहता है कि तुम मेरे पास बैठो और अपनी सारी बात बताओ। बुल बैठ जाता है, बताता है सारी बातें राजा को कि वो कैसे कैसे जो है यहाँ पर जंगल में रहता है। बताता है कि मैं एक पास के शहर में रहता हूँ और मैं जो एक व्यापारी का सामान एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जाता हूँ, और रास्ते में क्या हुआ कि जब मैं बहुत ज्यादा थक गया तो मैं जो है नीचे गिर गया, और व्यापारी ने मुझे सोचा कि मैं मर गया हूँ जब मैंने नीचे गिर गया, तो मैं थकावट के कारण गिर गया था। आई रिवाइव्ड इन अ फ्यू डेज। अब मर्चेंट जो है मुझे छोड़कर वहां पर चला गया। मैं कुछ दिनों तक जंगल में ही रहा, वहां पर हरी हरी घासें खाता रहा, लेकिन मैं इस तरह से बहुत ज्यादा मोटी और हेल्दी हो गया हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अकेला फील हो रहा है। दैट इज वाई आई वॉज कॉलिंग आउट लाइक दैट। इसलिए मेरी आवाज भी ऐसी हो गई है, मैं मोटा हो गया हूँ, हेल्दी हो गया हूँ, इसलिए मेरी आवाज इतनी हैवी जो है हो चुकी है। अब राजा जो है बुल की बातों से बड़ा इम्प्रेस होता है, उसको पसंद करने लगता है, और राजा से उससे बुल से कहता है राजा कि तुम यहीं जंगल में रुको मेरे पास, और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो और मुझे अपने शहर की सारी कहानियां सुनाओ कि वहां पर कैसे कैसे होता है। बुल वहीं पर रुक जाता है, वो जंग को सारी स्टोरी बताता है, दूर के स्थानों की जहाँ जहाँ वो जाता था। लॉयन जो है उससे बड़ा खुश हो जाता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, बड़ा खुश रहता है उसके साथ। और अपने जो उसके काउंसलर थे, दो चालू और गोलू जो काउंसलर थे, उसके सलाहकार थे जैकास, उनको बिल्कुल ही भूल जाता है। अब उसके पास उन दोनों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इस प्रकार जैकाल जो है समझ जाते हैं दैट दोज हु ट्राई टू एक्ट टू क्लेवर, कि जो अपने आप को इतना अधिक क्लेवर शो कर रहे थे, अपने को चतुर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, राजा का सेवक बनने की कोशिश कर रहे थे, राजा का वेल विशर बनने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश, उनका खुद का ही लास्ट में वो खुद ही मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि राजा जो है अब उनकी बातें नहीं सुनता था, वो केवल बुल की ही बात सुनता था। सो वी शुड नॉट बी सो मच क्लेवर दैट वी लॉस फेथ इन समबडी एल्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।